110 meter long is running at a speed of 60 kilometer per hour. How many seconds does it take to cross another train 170 meter long? कल हमने डिस्कस कर लिया था, तो मैं सीधा सीधा सा बस सॉल्व ही करना चाहता हूँ. तो अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो दोनों की लेंथ तो प्लस हो जाएगी ना. हाँ भाई, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी. तो 110 प्लस 170 280. तो आपके पास आ जाएगा 280. डिस्टेंस हो जाएगा 280. स्पीड हमारे पास है 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर को 5 बाय 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगी स्पीड. आपको निकालना है टाइम. टाइम क्या होता है? फॉर्मूला जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो बस इतना सही लिखना था, 280 अपॉन स्पीड कितनी है? 60 इनटू 5 बाय 18. ये आंसर है. बताओ किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है? समझ में आया ना बेटे? हमने आपसे कहा था जब भी क्रॉसिंग होगा तो टोटल डिस्टेंस कितना होना है. तो टोटल डिस्टेंस होता है L1 प्लस L2. L1 आपका 110 है, L2 आपका 170 है. टोटल हो जाएगा 280 मीटर. ठीक है, अब आपके पास क्या है? A train is running at a speed 60. How many seconds it take another train standing on the parallel track? मैं वही देख रहा था कि ट्रेन दूसरी भी ट्रेन है तो स्पीड प्लस माइनस होनी चाहिए, तो इसलिए चलो हमने ध्यान नहीं दिया. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? स्टैंडिंग है. स्टैंडिंग है तो इसकी स्पीड जीरो है. तो जब भी स्पीड लेना होता है तो वो S1 प्लस S2 या S1 माइनस S2 होती है. अगर अपोजिट डायरेक्शन है प्लस होना है, सेम डायरेक्शन है माइनस होना है. तो अब तो एक ही स्पीड लगेगी, 60 किलोमीटर पर आवर. तो पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं 1000 मीटर, और आवर को करते हैं तो 60 मिनट 60 सेकंड मीटर पर सेकंड में करते हैं. ये आपके पास हो गया डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड, और आपका टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये फॉर्मूला था जो हमने डायरेक्ट ही लिख दिया था शॉर्टकट में. बताओ क्या हो रहा है? ये कितना आ रहा है हमारे पास? ये 610 जा 63 जा, ठीक है, 0 से 0 3 आएगा ऊपर, तो 28 इंटू 3 कितना होता है अभी? 84 बाई 5. कितना आया था 84 बाई 5? 16.8. ये आया था ना आंसर? यस सर. जी सर. किसी और बच्चे को किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम? कल भी बच्चा कह रहा था कि कोई डाउट है, किसी के पास कोई डाउट है? चलिए अब हमारे पास एक टॉपिक और है लास्ट आपके पास. क्या आपसे क्या कहता है? स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चंस में होता क्या है बेसिकली कि भाई हमारे पास सपोज करो ये स्ट्रीम है, बहता हुआ पानी नदी में रिवर में नाले में कहीं में भी आप मान लीजिए, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि भाई स्ट्रीम में पानी है हमारे पास. तो स्ट्रीम की अपनी एक स्पीड होती है, तो इसकी एक अपनी स्पीड होगी, स्ट्रीम स्पीड. और उसमें हमारे पास एक बोट है, तो बोट की अपनी एक स्पीड होगी. हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई बोट की स्पीड है एक्स,
x किलोमीटर पर आवर। और ये बोट की स्पीड कब होती है? बोट की स्पीड होती है इन स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में। अगर ये झील में चले जहां पानी रुका होता है, तो वहां इसकी अपनी मैकेनिकल स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और जो पानी बह रहा है उसकी अपनी एक स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। आप बहते हुए पानी में पेपर डाल दीजिए, पत्ता डाल दीजिए, तो वो भी बहने लगता है। और किस स्पीड से बहेगा? पानी की स्पीड से। तो वो स्पीड की हम बात कर रहे हैं, उसे हम स्ट्रीम की स्पीड कहते हैं। अब होता क्या है एक्चुअली, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, इसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि पानी हमेशा डाउनवर्ड ही फ्लो करता है। जो आपका लिक्विड होता है वो डाउनवर्ड ही आपका बहता है। तो आपकी बात होती है कि बोट इन डाउन स्ट्रीम। अगर दोनों नीचे की तरफ है, बोट भी और पानी भी एक ही साथ, तो उस टाइम में जो बोट की फाइनल स्पीड होती है वो प्लस हो जाती है। इन डाउन स्ट्रीम बोट स्पीड जो होगी उसे हमेशा आप कंसीडर करेंगे x प्लस वाई, और x को दिमाग में बिठाएंगे कि ये बोट की स्पीड है, और y को दिमाग में बिठाएंगे ये पानी की स्पीड है, स्ट्रीम स्पीड। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हमारी बोट जा रही थी अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर अगेंस्ट द रिवर, अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो उसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम। बोट ऊपर जा रही है और पानी तो जाएगा नीचे ही, डाउन स्ट्रीम। तो उस अप स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड होगी इन अप स्ट्रीम, पानी की बोट की जो अपनी फाइनल स्पीड होगी वो x माइनस वाई होगी। अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, x बोट की स्पीड है, y आपकी पानी की, बस इतना ही करना है, बाकी वही है हमारे पास। कि भाई हमारे पास क्वेश्चंस क्या होते हैं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो हम क्या कंसिडर करेंगे कि सर एक होगा डाउनवर्ड, डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड हमने लेना है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम तो स्पीड हमने लेना है x माइनस वाई। हो सकता है किसी एक की वैल्यू दी हो कि भाई बोट की स्पीड ये है या स्ट्रीम, तो x की या y की वैल्यू दे सकता है, तो डिस्टेंस देगा, टाइम देगा, सॉल्व कर लेंगे। ये बस ध्यान रखना है। देखो इस पे छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं। आपके पास किसी के पास भी पेपर्स होंगे तो कोशिश करेंगे कि इसमें से स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के क्वेश्चंस निकालने की, और वो ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे उसके स्नैपशॉट्स। ये हमारे पास दिया हुआ है, ऐसी मजाक कर रहा है आपसे, कह रहा है मैन रो ए बोट 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स downstream and return upstream in 12 hours. The speed of the stream in kilometer per hour is. A man row a boat 18 kilometer in 4 hours downstream and return upstream in 12 hours. The speed of the stream in. Okay, the speed of the stream. स्पीड ऑफ द बोट भी निकलवा सकते हैं, स्पीड ऑफ द स्टीम दोनों भी निकलवा सकता है। ये क्वेश्चन तो समझने की कोशिश करी क्या कह रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी। हमारे पास क्या है, मैन रो ए बोट 18 किलोमीटर, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। 18 किलोमीटर डिस्टेंस उसका हो गया 18 किलोमीटर इन 4 आवर्स, लेकिन किस में कह रहा है वो, डाउन स्ट्रीम। तो ये जो उसने इंफॉर्मेशन दी है ये डाउन स्ट्रीम की बात करी, ठीक है सर। आपसे कह रहा है एंड रिटर्न अप स्ट्रीम, एंड रिटर्न अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स। तो अगर रिटर्न कह रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस अभी भी 18 किलोमीटर ही है। यस सर, नो? हाँ भाई, जाना जो हुआ है 18 किलोमीटर, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम में है तो वहां पे टाइम लगा है 4 घंटे। वापिस आया है अप स्ट्रीम, वो भी 18 किलोमीटर, लेकिन अब टाइम लगा है 12 आवर्स। क्वेश्चन तो ये था, लेकिन मैंने आपसे कहा दिमाग में बिठा के रखना है कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड होनी है x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम की स्पीड होनी है x माइनस वाई। यस और नो? ठीक है सर, ये हमारे पास है। तो अब हमसे कह रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालो, यानी कि y निकालो। मैं आपसे कह रहा हूँ x भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं।
अब आप पहले सिर्फ एक ही उस पे देखो, x प्लस वाई हमारी स्पीड है, 18 हमारा डिस्टेंस है, टाइम हमारा 4 है, क्या इसमें आपको रिलेशन समझ में आ रहा है? स्पीड डिस्टेंस टाइम में क्या रिलेशन होता है? जी सर, तो क्या आप कह सकते हो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 बाई 4 पहली इक्वेशन से, इससे ठीक है, यानी कि 18 बाई 4 कितना हो गया भाई, 9 बाई 2, 9 बाई 2 कितना हो गया 4.5। अच्छा दूसरे वाले से इक्वेशन बना सकते हो आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 बाई 12, तो 6 3 6 2 3/2 यानी कि 1.5। यस सर नो, सब बच्चे बताओ। जी सर, तो आपके पास x प्लस y भी आ गया, x माइनस y भी आ गया। अगर आपको x निकालना है तो y को कैंसिल कर दो, y निकालना है तो x को कैंसिल कर दो। मुझे y चाहिए था, तो x को कैंसिल करने का तरीका है माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस, x से x कैंसिल, 2y, 4 पॉइंट माइनस 1.5 शायद 3 होता है, तो y इज इक्वल टू 1.5। यस और नो? जी सर। अगर y को 1.5 रखोगे तो x 3 आ जाएगा, तो x भी आप निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो। बताओ सब बच्चों को समझ में आया या नहीं है? जी सर। हमने इतना सोचा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते थे, x plus y is 18/4 and x minus y is 12/4, 18/12, that's it, ठीक है जी? देखो एक क्वेश्चन और देखो, तो थोड़ा सा पेन आप चलाना। A motorboat in still water travel at a speed of 36 km per hour. Please ध्यान से देखो जो कह रहा है उसकी बात। Motorboat in still water, तो ये motorboat की टूटे हुए पानी में स्पीड है, तो इसको हम x कहते हैं। तो x हमें दिया हुआ है 36 km per hour. It goes 56 km upstream. Distance 56 km. कहाँ पे? Upstream में, ठीक है। इन 1 hour 45 minutes टाइम कितना लग रहा है? 1 hour 45 minutes लग रहे हैं, ठीक है सर। कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर स्पीड क्या होगी अप स्ट्रीम में? सर x माइनस y क्या होगी? x माइनस y, x माइनस y, ठीक है, अप स्ट्रीम में। तो x हमारा दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है? ठीक है, y नहीं है, तो 36 माइनस y, यस और नो? क्या यहाँ से y निकाल सकते हो सब बच्चे? क्या हो जाएगा बेटे? अगेन वही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। टाइम हमारा 1 hour 45 minutes है, तो 45 मिनट को भी आवर में चेंज कर लो, क्योंकि आपकी स्पीड जो है वो डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। तो 45 बाई 60, तो 15 3 जा 45 15 4 जा, यानी कि 1:3/4, यस और नो? 4 1 जा 4 plus 3 7 7 by 4, 4 आपका ऊपर आ जाएगा, तो 7 8 जा 56 8 4 जा 32, तो 36 minus 32 y is equals to 4, yes or no? सब बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, सबको तालियां तो हमारे पास ज्यादा है, सबको समझ में आ रहा है मैं कर क्या रहा हूँ? जी सर। yes, नहीं समझ में आ पूछ लीजिए, कैलकुलेशन फास्ट कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए, अगर नहीं समय पूछी तो y मेरा 4 आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो आगे, the time taken by it to cover the same distance down the stream will be, अब आपको टाइम निकालना है लेकिन डाउन स्ट्रीम के लिए, मुझे आप बताओगे डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? x प्लस वाई, x हमारा कितना है बेटे? 36, y कितना है बेटे? 36 प्लस 4 क्या हो जाएगा? आपसे कह रहा था सेम डिस्टेंस, आपसे कह रहा था सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है? 56 किलोमीटर, 56, तो टाइम कितना लगेगा अब? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 56/40, तो 0 से तो 0, ठीक है, तो 4 से कितना आएगा? रेस्ट ऑफ आवर्स 1.4 किलोमीटर पर आ, 1.4 किलोमीटर पर आ, 1.4
फोर कितना होता है बताओगे? मिनट्स में आ रहा है क्योंकि यहाँ इसको ऐसे ना करके क्योंकि डेसिमल में नहीं आएगा. 56/40 ठीक है, तो कितना होगा भाई? 40 बन जा 40 है ना, तो ये कितना आएगा? 16/40 ये हमारे पास है. तो 16/40 हमारे पास कितना हो गया? ठीक है, मिनट में करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 24 मिनट है कोई ऑप्शन? यस 1 hour 24 minutes. बताओ थोड़ा सा आइडिया हुआ क्या? जी सर. एक और देखो, चलो इसे जल्दी से फाइंड करना, बहुत जल्दी से. सिंपल सा क्वेश्चन जैसा पहला किया था वैसा ही. ये बोट पेन रो 1 kilometer इन 5 minutes अलोंग द स्ट्रीम इन डाउन स्ट्रीम एंड 6 kilometer इन 1 hour अगेंस्ट द स्ट्रीम. द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, तो x प्लस वाई इज वॉट एंड x माइनस वाई इज वॉट. तो x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो. नहीं है यहाँ पर, क्या आंसर आया? सर अभी नहीं आया, कर रहा हूँ. टाइम थोड़ा लगना है. समीरा समीरा सर 3 kilometer पर आ रहा है. फिर ऑप्शन जुबैर सर अभी कर रहा हूँ. सबके सब पेन रोको जरा, क्वेश्चन को देखो सब बच्चे प्लीज. टाइम ज्यादा ले रहे हो आप सब बच्चे, जरा देखो क्वेश्चन को. A boatman row 1 kilometer in 5 minutes. ठीक है, मैं आपको समझाऊं कि हमारे पास क्या है, स्पीड डिस्टेंस टाइम. हमसे कह रहा है 1 kilometer. मैं तो डायरेक्ट लिखता लेकिन आपको समझा इन 5 minutes. ठीक है, नीचे अगर आप ऑप्शन देखोगे किलोमीटर पर आवर्स है तो मिनट्स को ठीक है आप आवर्स में चेंज कर लो डिवाइडेड बाय 60 करके, तो ये आपका आवर हो जाएगा. आपसे क्या कह रहा था, अलोंग द स्ट्रीम. अलोंग द स्ट्रीम का क्या मतलब है? डाउन स्ट्रीम. तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हम क्या कंसीडर करते हैं? डायरेक्ट सोचो x प्लस वाई. यस x प्लस वाई, ये मेरे इक्वेशन है. मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ, सीधा लिखना था कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस क्या था? 1 और टाइम क्या था बेटे? 5/60. तो 60 ऊपर आना था बेटे. बताओ सबके सब बच्चे बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर जी. इतना सा टाइम लगना था बेटे. दोबारा देखो, उससे आगे पढ़ना शुरू करो. आपसे क्या कह रहा है, अलोंग द स्ट्रीम एंड 6 kilometer इन 1 hour अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो इसका मतलब अब डिस्टेंस कितना है हमारा? 6 kilometer. और कितने टाइम में? इन 1 hour. अब आवर में ही दिया हुआ है. और किसमें कह रहा है? अगेंस्ट द स्ट्रीम, अप स्ट्रीम. अप स्ट्रीम में स्पीड क्या लेते हैं बेटे? x माइनस वाई. तो फिर बेटे x माइनस वाई की इक्वेशन क्या बननी थी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस बेटे 6 है, स्पीड 1 है.
सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया? जी सर। बेटे ये जो नीचे लिखा ये तो लिखना ही नहीं था आपको, तो डायरेक्ट सिर्फ इतना लिखना था कि x plus y is 1/5 और दूसरा लिखना था x minus y is 6/1 डायरेक्ट लिखना था बेटे। अब 60/5 कितना होता है भाई? 12 होता है बेटे। तो आपको क्या निकालना है, x निकालना है y निकालना है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है बेटा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है वाई। तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर दीजिए, सॉरी माइनस कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स कैंसिल होगा तो आपके पास क्या आएगा बेटा, 2y = 6, तो y = 3। दैट्स इट। अगर y रख दोगे तो एक्स 9 आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, तो एक्स भी निकाल सकते हो वाई भी निकाल सकते हो। तो सब बताओ समझ में आया क्या थोड़ा सा? यस सर। आ जाओ, चलो जी बताओ इसको आंसर। बेटे नो कंप्लेन, ट्राई करिए बस, हर चीज को फेस, हर चीज को फेस करने की कोशिश करिए, हर चीज को फेस करने की कोशिश करिए बच्चे। मैम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं बी रेडी, माशाल्लाह से डरिए मत, करके दिखाइए बस जी। गुड करिए। सर ऑप्शन टू 5.5 किलोमीटर पर आ जी, सर 5.5 किलोमीटर पर आ। ठीक है, हो गया सब बच्चों से? यस। ये देखो सर, सब ट्राई करें, LLB 2019 जामिया क्वेश्चन पेपर, x कैन रन 50 मीटर व्हाइल y रन 45 मीटर पर मिनट। If y has a 5-minute start in race, how much time will x take to get level with y? Thank you.
आंसर दीजिए. कल बच्चा हमारा पूछ रहा था सर ये एलएलबी में आते हैं नहीं आते हैं. ये एलएलबी जामिया जीबीटी शाबाश. 45 मिनट आ रहा है. वेरी नाइस यस राइट आंसर. ये हमारे पास स्पीड डिस्टेंस टाइम से हमारे पास जनरल स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चंस होते हैं फिर क्रॉसिंग वाले और फिर ये आपके बॉर्डर स्ट्रीम वाले. तीन क्वेश्चंस मैंने जैसे डिस्कस किए तो उसमें बिल्कुल सिंपल स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ लीजिए. आपसे क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है. मैं हमेशा क्या कहता हूँ आपको यहाँ मेंशन करना है स्पीड डिस्टेंस टाइम. क्वेश्चन क्या है बेटे. क्वेश्चन ये है कि x कैन रन 50 मीटर व्हाइल y 45 मीटर पर मिनट. तो ये स्पीड हो गई x और y. तो x की स्पीड है 50 मीटर पर मिनट और y की स्पीड है 45 मीटर पर मिनट. ये बात सबको समझ में आ गई. ठीक है. अब आपसे क्या कह रहा है वाई हैज ए 5 मिनट स्टार्ट इन रेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वाई हैज ए 5 मिनट स्टार्ट इन रेस. क्या मतलब है इसका कोई बताएगा. है भाई शायद जल्दी निकल गए. जी बोलो. शायद वाई सर जल्दी निकल गया था एक्स से. शायद नहीं है कंफर्म. वाई हैज ए 5 मिनट स्टार्ट मतलब वाई को 5 मिनट हो चुके हैं भागते हुए उसके बाद एक्स भागता है. हाउ मच टाइम विल एक्स टेक टू गेट लेवल विद वाई. ये है मतलब ये है कि वाई को 5 मिनट हो गए. अब अगर हम ये कहें हमें निकालना है एक्स कितना टाइम लेगा तो एक्स कितना टाइम लेगा. हमने मान लिया कि एक्स को एक्स मिनट लगेंगे उसको पकड़ने में. तो y को कितनी देर हो गई है भागते हुए बता सकता है कोई. 5 मिनट x प्लस 5 सॉरी 5 मिनट ज्यादा हो गए ना उसे. तो अगर सपोज करो y भाग लिया और 5 मिनट के बाद x भागना शुरू करता है और मान लो 10 मिनट के बाद उसे पकड़ते हैं तो y को 15 मिनट हो चुके हैं x को 10 मिनट हुए. और यहाँ पे भी ये इम्पोर्टेंट चीज है कि x तेज भागता है इसलिए पकड़ पाएगा. अगर x पहले भागा होता y बाद में भागता तो पकड़ ही नहीं पाता क्योंकि स्लो स्पीड है. ये हमारे पास है. तो अब मुझे बताओ x मिनट में x कितनी दूर जाएगा. सॉरी यहाँ मैंने डिस्टेंस में लिख दिया. ये मेरा टाइम है कि कितने टाइम में. तो डिस्टेंस क्या होता है भाई. स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा 50x और ये हो जाएगा 45 इंटू एक्स प्लस 5. लेकिन ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे. सेम होंगे. मान लीजिए यहां से वाई भागना शुरू करता है और वो यहां पहुंच गया. ठीक है. और उसके फिर 5 मिनट के बाद एक्स भागना शुरू करता है उसने भी यही पकड़ लिया जाके. तो दोनों का डिस्टेंस सेम है लेकिन इसको 5 मिनट ज्यादा मिले हैं इसको सिर्फ एक्स मिले हैं. तो इसको मिले x प्लस 5 इसको x बस इतना सा करना. तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख दीजिए. डिस्टेंस का मतलब सिंपल सा ये लिखना था 50x is equals to 45x plus 5. आंसर तो सिर्फ इतना सा था. तो ये क्या हो जाएगा बेटे 50x 45x plus 45 into 5. ये माइनस करेंगे तो 50 माइनस 45 5x 45 इंटू 5. इसलिए मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई भी मत किया कीजिए. 5 से 5 कैंसिल हो गया. तो क्या आंसर आया 45. दैट इज अवर आंसर. एक क्वेश्चन और देखो जरा. ये तो वैसे ही मतलब डिस्टेंस पे दे रहा है बट ये परसेंटेज का है. सोच रहा था ये देखो सिंपल है.
कर सकते हो। बताओ स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं, परसेंटेज का बताओ, कौन बताएगा? जी बेटे इतना टाइम सोचना पड़ेगा, आओ जी। हमारे पास क्या है, स्पीड डिस्टेंस टाइम डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, टाइम टेकन फॉर कवरिंग x किलोमीटर बाय डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में x किलोमीटर है इज इक्वल टू x माइनस 18 अप स्ट्रीम, ये मेरे पास अपस्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर कम है। इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या होगा, आपके पास अप स्ट्रीम की स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, और x तो यहाँ दिया हुआ ही है वैसे ही लिख लेते हैं पहले। हमारे पास क्या है स्पीड ऑफ बोट x 15 है, तो 15 प्लस वाई, और यहाँ हम लिखेंगे 15 माइनस वाई। तो क्या मुझे आप ये बताओ सब बच्चे, क्या इन तीनों से y निकाल सकते हो आप सब बच्चे? हाँ भाई, आपसे उसने कहा है कि डाउन बोट की स्पीड 15 है, स्ट्रीम की स्पीड दी नहीं है, बट आपसे कह दिया कि आप स्ट्रीम की स्पीड जो है 6 किलोमीटर कम है, तो आप ये बता सकते हो मुझे कैसे निकालोगे? मतलब इसका मतलब ये है बेटे कि 15 प्लस वाई माइनस 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, यस और नो सब बच्चे बताओ। सर आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है बेटे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन ऑफ डाउन स्ट्रीम, ये मेंशन है यहाँ। जो अप स्ट्रीम की स्पीड है 15 माइनस वाई, और जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 15 प्लस वाई, उसमें 6 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वाई से 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, वाई और वाई 2y हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 3। अगर y is equals to 3 आएगा तो इसका मतलब है आपकी जो स्पीड आ गई डाउन स्ट्रीम में वो 15 प्लस 3 18 आ गई, और 15 माइनस 3 वो 12 आ गई, यस और नो? यस सर। अब मुझे बताओ डाउन स्ट्रीम का टाइम कितना होगा, x by 18, और अप स्ट्रीम का टाइम कितना होगा, x माइनस 18 by 12। लेकिन आपसे कह रहा था दोनों के टाइम सेम है, तो दोनों को इक्वल रख दीजिए, आंसर आ जाएगा x by 18 and x minus 18 by 12, तो 6 से 3, 6 से 2, तो क्या होगा सर 2x, 3x minus 24, नहीं 54, तो x is equals to 54, that's it, ये आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन, तब बताइए कुछ समझ में आई बात या नहीं? यस सर। दोबारा से देख लीजिए इस पूरे क्वेश्चन को, कि कहां कहां से हम क्या निकालते हैं। पहले हम यही ले रहे हैं जो हमने येलो पार्ट किया हुआ है, कि अप स्ट्रीम स्पीड इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ डाउन स्ट्रीम,
ठीक है, तो हमारे पास होता क्या है, हमारे पास होता है डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है x प्लस वाई, अप स्ट्रीम की स्पीड होती है x माइनस वाई, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 6। ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है, ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कम है अप स्ट्रीम से, कितना 6 ज्यादा है, कितना 6, अप स्ट्रीम कम है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली x कट जाएगा, अगर x कट जाएगा तो 2y हो जाएगा 6 और y हो जाएगा 3। तो पहली चीज तो ये कि y आ जाएगी, और y क्या होता है, स्ट्रीम स्पीड। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास बोट की स्पीड दी हुई है, बोट की स्पीड कितनी दी हुई है सर, 15। बोट की स्पीड हो गई 15, स्ट्रीम की स्पीड हो गई 3। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम, तो डाउन स्ट्रीम में 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 कितना, 18। अप स्ट्रीम में 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 कितना, 12। ठीक है सर, टाइम टेकन फॉर कवरिंग x किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो x किलोमीटर दिया हुआ, और अप स्ट्रीम का जो दिया हुआ है वो x माइनस 18 दिया हुआ। कह रहा है दोनों का टाइम सेम है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ हमारे पास टाइम लग रहा है x बाई 18, और यहाँ हमारे पास टाइम लग रहा है x माइनस 18 बाई 12, दोनों को इक्वल रख दीजिए, x by 18 is equals to x minus 18 by 12। यहाँ से अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 54। बताइए कुछ समझ में आई क्या बात? जी सर।